कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। तुम्हारा नया घर तो बहुत खूबसूरत है यार, लगता है बहुत जी जान से बनाया है। आपने सच कहा सिद्धार्थ, हमें 2 साल लग गए इस घर को बनाने में and I'm so glad it's finally done। सुबह शाम इस घर के चक्कर में ना कम से कम मैंने 10 किलो धूल मिट्टी तो खा ही ली होगी। Really? Really? ये घर हमारा जरूर है लेकिन इसको बनाने में 3 लोगों का हाथ है। 3 लोग? एक सुहेल जो सिर्फ हमारा कॉलेज फ्रेंड ही नहीं बल्कि एक सिविल इंजीनियर भी है, दूसरा आपकी मोहतरमा मेरियल जिसने इस घर का पूरा इंटीरियर डिजाइन किया, और तीसरा जो मेरे कंधों पर पिछले 10 सालों से, हरीश का। मैं सच कह रहा हूं, अगर हरीश नहीं होता तो शायद आज ही मेरा घर बना नहीं होता। हरीश, लगता तुमने संजीव को कुछ लंबा चौड़ा लोन दिया है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं बताता हूं, हरीश ने उससे भी अच्छा काम किया है। मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते पिछले 10 सालों से उसने मुझे सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान्स बताए हैं जिनकी बदौलत ये घर बन पाया। हरीश भाई, तुम्हारे पे कोई सीक्रेट सॉस वॉस है क्या? हमें भी दे दो यार। भाई सीक्रेट सॉस तो है और उसकी रेसिपी उतनी ही सिंपल है। मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब संजीव तुम बताओ। व्हाई नॉट सुहेल, एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक फैमिली डॉक्टर है? बिल्कुल है, डॉक्टर मेहता 15 साल से हमारे फैमिली डॉक्टर ही तो है। इसी तरह हमारे पास एक डॉक्टर, एक अकाउंटेंट, एक डेंटिस्ट और शायद लॉयर भी होते हैं। इनफैक्ट हम किसी एक फिक्स्ड हेयर स्टाइलिस्ट के पास भी जाते होंगे। तुम्हारे पास हरीश जैसा फाइनेंशियल एडवाइजर है? हरीश जैसा फाइनेंशियल एडवाइजर हमारा वेल्थ डॉक्टर भी है जो हमारे इन्वेस्टमेंट की देखभाल करता है। अगर वो हमारे इन्वेस्टमेंट की देखभाल नहीं करेगा तो हमारे इन्वेस्टमेंट का हाल खराब हो सकता है। संजीव तुम ठीक कह रहे हो, मुझे तो पता भी नहीं था कि हरीश जैसे वेल्थ डॉक्टर्स हमारी मदद के लिए अवेलेबल हैं। म्यूरियल, जानोगे तभी तो मानोगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ तो क्या मुझे तब भी फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी? जरूर, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर सिर्फ वेल्थ डॉक्टर ही नहीं बल्कि आपका दोस्त और गाइड भी होता है। मतलब मैं समझाता हूँ। एक फाइनेंशियल एडवाइजर का सबसे पहला काम ये होता है कि वो आपके लाइफ के गोल्स और ड्रीम्स को समझ के एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान तैयार करे। मान लीजिए आपको अगले 10 से 12 साल में घर बनाना है, या फिर आपको अपने बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। ऐसे में मैं आपके लिए एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान बना के देता हूँ जो आपको आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। एग्जैक्टली। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हरीश ने प्ले किया है वो ये है कि हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का रिस्क एंड रिवॉर्ड्स मुझे अच्छी तरीके से समझाया है। संजीव सही कह रहा है, अक्सर इन्वेस्टर्स मार्केट के उतार चढ़ाव से डर जाते हैं। जैसे 2008 के क्रैश में अगर संजीव ने अपने इन्वेस्टमेंट्स को नुकसान में बेच दिया होता तो फिर शायद आज हम यहाँ पे बैठ के ये हाउस वार्मिंग पार्टी नहीं कर रहे होते। क्यों संजीव? एब्सोल्युटली हरीश, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। You're most welcome. अब मैं रात को चैन की नींद सो सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है हरीश एक्टिवली मेरा पोर्टफोलियो मॉनिटर कर रहा है। और वैसे भी रोज रोज अपना पोर्टफोलियो संभालने का ना तो इनके पास टाइम है और ना ही माइंड स्पेस। सीमा, ये हाल हम सबका ही है। इसीलिए तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते मैं आपके पोर्टफोलियो को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता हूँ और ये चेक करता हूँ कि वो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स पे खरा उतरा है या नहीं। तो उसका ये मतलब हुआ कि अगर मेरा पोर्टफोलियो मेरे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पे डिलीवर नहीं करता तो क्या आप मेरा पोर्टफोलियो चेंज करेंगे? ऑफ कोर्स, मैं आपके पोर्टफोलियो को सिर्फ मॉनिटर ही नहीं करता हूँ बल्कि उसको रिव्यू भी करता हूँ। समझ लीजिए आपको कोई इमरजेंसी आ गई, या फिर पैसों की जरूरत है, या फिर आपकी जिंदगी में आपके ऑब्जेक्टिव्स या गोल चेंज हो गए किसी भी कारणवश, ऐसे में मैं आपके साथ में बैठ के आपके पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने में आपकी मदद करता हूँ। तो हरीश, ये तय है कि अगले संडे आप हमारे घर लंच पे आ रहे हैं ताकि हम सब दोस्त भी अपना फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करवा सके। मंजूर है वेल डॉक्टर साहब? बिल्कुल मंजूर है। क्यों? बाय द वे, मेरे जैसे वेल डॉक्टर का एक बेनिफिट और है। वो क्या? कि मैं इंजेक्शन नहीं लगाता। वेल सेड, थैंक्स फॉर दैट। क्या आपको अपना हरीश चाहिए? अगर हाँ तो हम है ना
छाया स्टॉक कंसल्टेंट्स आपको आपका हर्ष देगा। तो फिर देर किस बात की अपने फाइनेंशियल डॉक्टर को अपॉइंट करने के लिए अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज सेंड करें या फिर हमारे ईमेल पर मेल कीजिए। आपके समय के लिए धन्यवाद।